अरुणिता कांजीलाल का एक स्पेशल परफॉर्मेंस आप सभी दर्शक देखेंगे इंडियन आइडल सीजन 12 के सैटरडे के एपिसोड में। सैटरडे के एपिसोड में तेरी मेरी एक कहानी पर परफॉर्मेंस देने वाली है अरुणिता कांजीलाल। एक ऐसा परफॉर्मेंस देने वाली है आने वाले एपिसोड में अरुणिता कांजीलाल, जिसे सुनकर हिमेश रेशमिया के आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। अब आंखों से आंसू छलक पड़ना तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, क्योंकि इस गाने से जो कि अरुणिता कांजीलाल जिस गाने पर परफॉर्मेंस देने वाली हैं, उस परफॉर्मेंस उस गाने से जुड़ा हुआ है एक सच, जो कि जुड़ा हुआ है हिमेश रेशमिया से। आज उसी सच के बारे में आप सभी दर्शकों के सामने हम उजागर करने जा रहे हैं, जो कि बरसों पहले हुआ था एक इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है हिमेश रेशमिया के साथ वो सच। आइए आप सभी दर्शकों को बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में यही बात पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। इंडियन आइडल सीजन 12 के आने वाले एपिसोड में अरुणिता का परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद अरुणिता कांजीलाल को काफ़ी स्पेशल ट्रिब्यूट देते हुए नजर आएंगे हिमेश रेशमिया, यानी कि हमारे एचआर, और एचआर सुरूर का स्पेशल एपिसोड दिखाया जाएगा शनिवार के एपिसोड में। और एचआर काफी भावुक होते हुए नजर आएंगे, इतना भावुक होते हुए नजर आएंगे कि इससे पहले आप सभी दर्शकों ने इंडियन आइडल सीजन 12 के मंच पर एचआर को इतना रोता हुआ कभी भी नहीं देखा। अब इतना ज्यादा क्यों रोएंगे, वो भी अरुणिता कांजीलाल की इस परफॉर्मेंस पर। अरुणिता कांजीलाल का तो हमेशा से जो है वो इसी तरीके के परफॉर्मेंस देती है, लेकिन इससे पहले एचआर इतने कभी भावुक नहीं हुए, लेकिन इतने भावुक होंगे आने वाले एपिसोड में। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है अरुणिता कांजीलाल जिस गाने पर परफॉर्म करने वाली तेरी मेरी कहानी, उस गाने को लेकर जुड़ी है एक कड़वी सच्चाई हिमेश रेशमिया से। और साथ ही साथ खबरों की माने तो और बहुत सारे आर्टिकल में छपी एक रिपोर्ट की माने तो हिमेश रेशमिया की पहली शादी पूरी तरह से टूट चुकी है। इस बारे में तो आप सभी दर्शकों को पता है, और इसी बात से जुड़ा हुआ है इस गाने की कुछ यादें। जी हाँ, और जब इस गाने को कंपोज किया था हिमेश रेशमिया ने, तब उनका पहला तलाक हुआ था, और पहली बीवी से वो तलाक नहीं लेना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन उनके सामने आई जिस वजह से उनको तलाक लेना पड़ा। वो अपनी पहली बीवी से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और पहली बीवी को याद करते हुए इस गाने को उन्होंने बनाया था, तेरी मेरी कहानी। और साथ ही साथ वो जब अरुणिता कांजीलाल इमोशनल परफॉर्मेंस देने वाली हैं, तब वो उनके आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे, तब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और वो लगातार रोते हुए नजर आएंगे इस परफॉर्मेंस पर। तो ये है सबसे बड़ी वजह, ये है बरसों पहले कि वो सच्चाई जो कि हिमेश रेशमिया ने छिपा कर रखा था, लेकिन अपने इमोशंस के जरिए, अपने आंसुओं के जरिए उन्होंने उजागर कर दिया। ये बड़ी बात आज के खास रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले थे, लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। इंडियन आइडल सीजन 12 के आने वाले एपिसोड से जुड़ी हुई हर एक परफॉर्मेंस से जुड़ी हर एक अपडेट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।